আজ রিমাস ডায়েরিতে জ্যোতি বলবে তার জীবনের গল্প, কিভাবে সে পর্তুগাল এসেছিল, কিভাবে ফ্যামিলিকে নিয়ে এসেছিল, শুধু তাই নয় প্রেগন্যান্ট হয়ে কি কি সমস্যার মোকাবেলা তার করতে হয়েছিল, এই সব কিছু নিয়ে কথা বলছে রিমাস ডায়েরিতে। परियार फ्रॉम नेपाल। पोर्चुगल में मैं पिछले 5 साल से हूँ। जब मैं नेपाल में थी मैं एज अ ब्यूटिशियन काम करती थी। मैंने खुद का अपना पार्लर किया वहाँ पे, मैंने 3 साल काम किया। तो मैं स्टडी और ज़्यादा स्टडी करने के लिए पोलैंड में स्टूडेंट वीज़ा में आई थी। वो मेरा कोर्स था ब्यूटी साइंस, पर मेरी बेटी तो छोटी थी तो मैं उसको छोड़ के जाने की सोच भी नहीं सकती थी। माय हस्बैंड समझाया मुझे कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारा नेपाली सोसाइटी ऐसा है कि जब शादी हो जाए, बहू बन जाए, तो मेन खाना पकाना और सफाई करना, इतने में ही हमारा वो लाइफ चला जाता है। माय हस्बैंड इज़ द वन हु टोल्ड मी दैट नो यू शुड डू मोर। गई पोलैंड, पूछा और जो सीनियर थे कॉलेज में हमसे पहले जो पोलैंड गए थे उनको पूछा कि यहाँ पे फैमिली प्रोसेस कैसा है। तो सबने बोला हमको तो पता नहीं कि पोलैंड में फैमिली भी लेके आ सकते हैं। फिर मेरे हस्बैंड के दोस्त पोर्चुगल में थे, जो ऑलरेडी उनका रेसिडेंसी कार्ड था, तो उनसे बात हुआ तो उन्होंने बोला कि अगर फैमिली लाना ही इम्पोर्टेंट है तो पोर्चुगल आओ, फिर कार्ड बनाओ, फिर तुम लोगों के लिए अप्लाई करना इजी होगा। तो फिर मैं पोर्चुगल आ गई। सबको पता है कि पोर्चुगल में डायरेक्ट पोर्चुगल आने वाले लोग आई थिंक बहुत कम है। वो किसी ना किसी कंट्री होकर ही आए। तो जैसे मैं आई हूँ पोलैंड से, तो कई लोग होते होंगे, जैसे कि मैं जब नेपाल से आई थी मुझे लगा था कि 6 महीने में मैं फैमिली अप्लाई कर सकती हूँ पोलैंड में। जब वो नहीं हुआ तो मैं इधर आई। तो अभी भी मुझे लगता है पोलैंड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको लगता है कि यहाँ पे फैमिली सेटल कर सकते हैं। तो अगर उन लोगों को लगता है कि यहाँ बैठ के हमारा टाइम वेस्ट होता जा रहा है तो हमको जाना है पोर्चुगल। तो आप लोग यहाँ, ये डोमेस्टिक है पोलैंड से यहाँ तक, तो आप लोग इजीली आ सकते हो कि आपको बस आपके पास वीज़ा होना चाहिए और आप टिकट करके आ सकते हो। एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जब हम लैंड करते हैं तो थोड़ा हमारा चेकिंग हो सकता है कि इसका वीज़ा पोलैंड का है तो यहाँ पे क्यों। तो अगर थोड़ा इंक्वायरी हुआ तो आप लोगों को बताना है कि मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, तो हम थोड़ा विजिट करके फिर वापस जाना है। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप लोग आ सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से रेसिडेंसी पाके फैमिली सेट करने के लिए पोर्चुगल से अच्छा जगह कंट्री कोई नहीं है यूरोप। पोलैंड से और किसी भी कंट्री से आप फिर ट्रांसफ़र हो रहे हो पोर्चुगल, तो इतना ख्याल रखना है कि आपने जो भी फ्लाइट लिया है उस जगह से, उसके टिकट्स और बोर्डिंग पास, ऐसे जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि पोर्चुगल में ये होता है डॉक्यूमेंट, चाहे वो टिकट्स हो या फिर आप लोग यहाँ आने के बाद भी सेफ एंट्री, ऐसा बहुत कुछ होता है। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीज़, ये काम ख़त्म हो गया अब ये यूजलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। हर डॉक्यूमेंट, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो आप ट्रैवल के दौरान आप ले लेते हो, ऐसे चीज़ को आपको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर वो डॉक्यूमेंट यहाँ के गवर्नमेंट मांगती है। मैंने इजी सोचा था आने के बाद तुरंत कार्ड बनाना है, फैमिली लाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक तो मैं एक अकेली थी लड़की, फिर मेरी छोटी बेटी छोड़ के आई थी मैं, तो मैं थोड़ा वो होमसिक भी हो गई थी। फिर
पेपर हुआ, पेपर होने के बाद मैंने सेफ से डेट लिया, फिर वीजा भी लग गया, मैं अपने हस्बैंड और बेटी को लेके आई। मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी उनमें से नहीं कि जो हस्बैंड के साथ यूरोप सेटल हो गई है, मेरी बेटी उनमें से एक है जो बेटी और हस्बैंड को लेके गई है खुद सेटल होने के बाद। पहले खुद पे ट्रस्ट करना है, फिर खुद को यस बोलना है, ये दोनों चीज़ हमारी लाइफ चेंज कर देती है। सडनली इट्स नॉट प्लानिंग, बट दूसरी बार मैं प्रेग्नेंट हुई तो काम पे प्रेगनेंसी के बाद बताएंगे तो ये लोग शायद गुस्सा होंगे, खुद ही पैनिक हो गई थी मैं। फिर बाद में बताना तो था, फिर मैंने अपने काम पे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इन लोगों ने इतने अच्छे से रिएक्ट किया, स्पेशल फील कराया, तो वो बात मुझे मेरे कंपनी की बहुत अच्छी लगी। मैंने 28 वीक तक मैंने काम किया कंटिन्यू। थोड़ा हॉस्पिटल पार्ट का था, ये तो शायद लैंग्वेज की वजह से भी होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। यहाँ के डॉक्टर्स सारे तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट ये इंग्लिश बोलना प्रिफर नहीं करते, तो उस वजह से डिफ़िकल्टीज होती थी और अपॉइंटमेंट बहुत लेट का मिलता था, तो इस वजह से थोड़ा जब प्रॉब्लम होती थी इमीडिएटली कर नहीं सकती थी, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन डिलीवरी के टाइम में बहुत बहुत हेल्प हुआ। हॉस्पिटल में एक काम भी, डॉक्यूमेंट का काम भी होता है न्यू बॉर्न बेबी का। मेरी बेटी का 3 दिन में यहाँ का नेशनलिटी आया है बिकॉज ऑफ दैट डॉक्टर। सो ऐसे लोग भी है, और पहले भी डिलीवरी के पहले भी यहाँ के एक नर्स ने भी बहुत हेल्प किया, बस जब डॉक्टर इंग्लिश नहीं बोलते तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होता था। अगर पेपर होने के बाद प्रेग्नेंट हो तो इजी है, काम पे अगर काम करते हो तो काम की वजह से वहाँ से भी हेल्प करते हैं पेपर के लिए, अगर काम नहीं करते तो खुद करना पड़ता है। अगर पेपर यहाँ के रेसिडेंसी टेम्पोररी रेसिडेंसी हो तो इजी होता है, डायरेक्ट हम हेल्थ सेंटर जा सकते हैं, वहाँ से अगर आपके पास पेपर हो तो ऑलरेडी वहाँ के कार्ड होते हैं, तो वो लोग स्टेप बाय स्टेप अपॉइंटमेंट देते जाते हैं, हम उसको फॉलो अप करना है। तो अगर रेसिडेंसी वाले लोग हैं तो वो लोग खुद पेपर देते हैं कि सेगुरान से सोशल पे ये पेपर तुम सबमिट करो तो यहाँ से पैसा ये हिसाब से आएगा, काम के हिसाब से, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आएगा, या फिर यहाँ पे पोर्चुगल में बहुत सारे एजेंसीज के थ्रू काम करते हैं हम, उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। एक तो भी नहीं देते कि ये प्रेग्नेंट है, ये इस वजह से घर पे है तो इसको गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, ऐसा पेपर भी कुछ भी नहीं देते। मेरे केस में मैं लकी हूँ कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, अच्छी कंपनी में काम करती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद, इन टोटल मैं 8 महीने घर बैठी, लेकिन मेरा सैलरी आता रहा बिकॉज मेरे पास कार्ड भी था और मुझे बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी किया कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं ऐसे ऐसे करो। तो कई लोगों को मैं मिलती हूँ हॉस्पिटल में, जब मेरा अपॉइंटमेंट होता है तो बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमन होते हैं वहाँ पे जिनको मालूम ही नहीं है कि ऐसे पैसा मिलता है। तो मेरे टाइम में क्या हो रहा था, पहली बार वो प्री नाताल बोल के देते वो लोग, तो मुझे 700-800 आता है एक ही बार में। वो प्रेग्नेंट होने के आई थिंक 13 हफ्ता से 35 वीक तक का मनी है वो मंथली। तो उसके बाद जब घर बैठी तो सैलरी नॉर्मल पोर्चुगल की वो मिनिमम सैलरी कितना है उसके हिसाब से मुझे एज अ सैलरी के हिसाब से पैसा मिलता था, लेकिन मेरी कंपनी से नहीं, सेगुरांजा सोशल से। तो
फैसिलिटीज बहुत सारी है, बस कई लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या मिलते हैं। तो अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उन लोगों को एक बार कम से कम एक बार सेग्रांसा सोशल जाके उनको पूछना चाहिए कि मेरा ये कंडीशन चल रहा है, तो यहाँ से क्या क्या पेपर है जो मैं फिलअप कर सकती हूँ और ये पुर्तगाल गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है वो मैं ले सकती हूँ। तो वहाँ के लोग भी हेल्प करते हैं कि तुम ये पीरियड में ये वाला पेपर फिलअप करो और ये पीरियड में ये वाला, तो इससे भी हेल्प हो सकता है। तो एक बार हॉस्पिटल में पूछना चाहिए और एक बार सेगुरांसा सोशल विजिट करके आप लोग, बहुत सारे फैसिलिटीज़ होती है स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। जितना मैंने सुना है पुर्तगाल में बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है जब एक बच्चा होता है, तो मैंने वो सारी फैसिलिटीज़ लिया है यहाँ पे। पुर्तगाल गवर्नमेंट को बहुत मतलब रेस्पेक्ट होता है हमारे साइड से कि वो लोग इतने इजीली यहाँ से रेसिडेंसी देते हैं, जो कि जिसके वजह से किसी की फैमिली सेटल हो सकती है। बस लैंग्वेज की वजह से इतने सारी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, तो क्यों ना पुर्तगाल गवर्नमेंट के साइड से, जैसे मेन ऑफिस होते हैं स्पेशली हॉस्पिटल में, वहाँ तो हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि किस प्रॉब्लम से हम आए हैं। तो अगर लैंग्वेज की वजह से हम कोई उल्टा चीज़ बोल दें तो जो चीज़ जो मेडिसिन हमको चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे हॉस्पिटल जैसे प्लेस पे और जब हम डॉक्यूमेंट के लिए कहीं जाते हैं वहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी चीज़ से हमारी रेसिडेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ऑफिस में अगर सब लोग नहीं बोलते तो एक एक डिपार्ट रखो कि जहाँ हम अपने लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में वो चीज़ ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन कर सके। मेरा फादर का जब डेथ हुआ था तो मेरी मम्मी बस 26 ईयर की थी, तो मेरे मेरे फादर के फैमिली और मेरे मम्मी के फैमिली दोनों ने बहुत ट्राई किया कि अभी ये बहुत छोटी है, इसकी दूसरी शादी कराना पड़ेगा ताकि बच्चों को देखने के लिए कोई है। लेकिन मेरी मम्मी इस बात के ख़िलाफ़ नहीं है कि दूसरी शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपने लिए नहीं चाहती है क्योंकि वो बोलती है कि बच्चे मेरे भी हैं तो मैं अकेले पाल सकती हूँ। अभी मेरे लाइफ का इस चेंजेस और मैं अभी जो जितना स्ट्रॉन्ग खुद को मानती हूँ, इसमें मैं अपने मम्मी को देख के इंस्पायर हूँ। कई लोग हैं जो बच्चे संभाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मेरे लाइफ में ये जो चेंजेस आई है अभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ यहाँ आने के बाद, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने फेस किया है 2-3 साल मैंने अकेले फेस किया है, डॉक्यूमेंट से लेके हॉस्पिटल तक सब कुछ मैंने खुद किया है। अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। तो बाहर निकलना है और अपने आप को यस बोलना है। यस, प्रेम इज टायर्ड।